हेलो दोस्तों, आज हम बात करेंगे ओप्पो के टॉप अपकमिंग मोबाइल्स की और देखेंगे उसकी प्राइस, उसकी लॉन्च डेट, उसकी फुल स्पेसिफिकेशन। तो दोस्तों इस वीडियो को लास्ट तक देखिए, पूरे मोबाइल बेस्ट हैं। तो मैं हूं वसी और आप देख रहे हैं अमेजोन शॉप। नंबर वन पे आता है ओप्पो रेनो 6। बात करें इसकी स्पेसिफिकेशन की तो इसमें एंड्रॉइड का V11, 8GB की रैम, प्रोसेसर इसमें मीडियाटेक डायमेंसिटी 900, डिस्प्ले इसमें 6.43 इंच का फुल एचडी डिस्प्ले, स्क्रीन इसका एमोलेड। बात करें कैमरा की तो इसमें ट्रिपल रियर कैमरा है 64+8+2 मेगापिक्सल का और फ्रंट कैमरा इसमें 32 मेगापिक्सल का। स्टोरेज इसमें 128GB का इंटरनल स्टोरेज रहेगा, बट एचडी कार्ड का सपोर्ट आपको इसमें नहीं मिलेगा। बैटरी इसमें 4300 की रहेगी और फास्ट चार्जिंग का सपोर्ट आपको इसमें मिल जाएगा। अब बात करते हैं इसके प्राइस की, तो इसकी एक्सपेक्टेड प्राइस है 28,000 रुपए। हो सकता है मोबाइल इंडिया में 28,000 के अंदर आ जाए। देखते हैं ओप्पो इस मोबाइल को इंडिया में किस प्राइस पे लेके आता है। अब बात करें इसके लॉन्च डेट की, तो इसकी एक्सपेक्टेड लॉन्च डेट है 29 जुलाई 2021। उम्मीद है मोबाइल जब तक इंडिया में आ जाए। नंबर टू पे आता है ओप्पो A92s। बात करें इसकी स्पेसिफिकेशन की तो इसमें एंड्रॉइड का V11, 6GB की रैम, प्रोसेसर इसमें मीडियाटेक डायमेंसिटी 800, डिस्प्ले इसमें 6.57 इंच का फुल एचडी डिस्प्ले, स्क्रीन इसका IPS LCD। बात करें कैमरा की तो इसमें 4 रियर कैमरा है 48+8+2+2 मेगापिक्सल का और डुअल फ्रंट कैमरा इसमें 16+2 मेगापिक्सल का। स्टोरेज इसमें 128GB का इंटरनल स्टोरेज रहेगा, बट एसडी कार्ड का सपोर्ट आपको इसमें नहीं मिलेगा। बैटरी इसमें 4000 की रहेगी और फास्ट चार्जिंग का सपोर्ट आपको इसमें मिल जाएगा। अब बात करते हैं इसके प्राइस की, तो इसकी एक्सपेक्टेड प्राइस है 18,000 रुपए। हो सकता है मोबाइल इंडिया में 18,000 के अंदर आ जाए। देखते हैं ओप्पो इस मोबाइल को इंडिया में किस प्राइस पे लेके आता है। अब बात करें इसके लॉन्च डेट की, तो इसकी एक्सपेक्टेड लॉन्च डेट है 18 जुलाई 2021। उम्मीद है मोबाइल जब तक इंडिया में आ जाए। नंबर थ्री पे आता है ओप्पो रेनो 6 Pro 5G। बात करें इसकी स्पेसिफिकेशन की तो इसमें एंड्रॉइड का V11, 8GB की रैम, प्रोसेसर इसमें मीडियाटेक का डायमेंसिटी 1200, डिस्प्ले इसमें 6.55 इंच का फुल एचडी डिस्प्ले, स्क्रीन इसका एमोलेड। बात करें कैमरा की तो इसमें 4 रियर कैमरा है 64+8+2+2 मेगापिक्सल का और फ्रंट कैमरा इसमें 32 मेगापिक्सल का। स्टोरेज इसमें 128GB का इंटरनल स्टोरेज रहेगा, बट एचडी कार्ड का सपोर्ट आपको इसमें नहीं मिलेगा। बैटरी इसमें 4500 की रहेगी और फास्ट चार्जिंग का सपोर्ट आपको इसमें मिल जाएगा। अब बात करते हैं इसके प्राइस की, तो इसकी एक्सपेक्टेड प्राइस है 34,000 रुपए। हो सकता है मोबाइल इंडिया में 34,000 के अंदर आ जाए। देखते हैं ओप्पो इस मोबाइल को इंडिया में किस प्राइस पे लेके आता है। अब बात करें इसके लॉन्च डेट की, तो इसकी एक्सपेक्टेड लॉन्च डेट है 22 जुलाई 2021। उम्मीद है मोबाइल जब तक इंडिया में आ जाए। नंबर फोर पे आता है ओप्पो रेनो 4 SE। बात करें इसकी स्पेसिफिकेशन की तो इसमें एंड्रॉइड का V10Q, 8GB की रैम, प्रोसेसर इसमें मीडियाटेक का डायमेंसिटी 720, डिस्प्ले इसमें 6.43 इंच का फुल एचडी डिस्प्ले, स्क्रीन इसका एमोलेड। बात करें कैमरा की तो इसमें ट्रिपल रियर कैमरा है 48+8+2 मेगापिक्सल का और फ्रंट कैमरा इसमें 32 मेगापिक्सल का। स्टोरेज इसमें 128GB का इंटरनल स्टोरेज रहेगा, बट एचडी कार्ड का सपोर्ट आपको इसमें नहीं मिलेगा। बैटरी इसमें 4300 की रहेगी और फास्ट चार्जिंग का सपोर्ट आपको इसमें मिल जाएगा। अब बात करते हैं इसके प्राइस की, तो इसकी एक्सपेक्टेड प्राइस है 22,000 रुपए। हो सकता है मोबाइल इंडिया में 22,000 के अंदर आ जाए। देखते हैं ओप्पो इस मोबाइल को इंडिया में किस प्राइस पे लेके आता है। अब बात करें इसके लॉन्च डेट की, तो इसकी एक्सपेक्टेड लॉन्च डेट है 6 जुलाई 2021। उम्मीद है मोबाइल जब तक इंडिया में आ जाए। नंबर फाइव पे आता है ओप्पो K7X 5G। बात करें इसकी स्पेसिफिकेशन की तो इसमें एंड्रॉइड का V10Q, 6GB की रैम, प्रोसेसर इसमें मीडियाटेक डायमेंसिटी 720, डिस्प्ले इसमें 6.5 इंच का फुल एचडी डिस्प्ले, स्क्रीन इसका IPS LCD। बात करें कैमरा की तो इसमें 4 रियर कैमरा है 48+8+2+2 मेगापिक्सल का और फ्रंट कैमरा इसमें 16 मेगापिक्सल का। स्टोरेज इसमें 128GB का इंटरनल स्टोरेज रहेगा, बट एचडी कार्ड का सपोर्ट आपको इसमें नहीं मिलेगा। बैटरी इसमें 5000 की रहेगी और फास्ट चार्जिंग का सपोर्ट आपको इसमें मिल जाएगा। अब बात करते हैं इसके प्राइस की, तो इसकी एक्सपेक्टेड प्राइस है 15,000 रुपए। हो सकता है मोबाइल इंडिया में 15,000 के अंदर आ जाए। देखते हैं ओप्पो इस मोबाइल को इंडिया में किस प्राइस पे लेके आता है। अब बात करें इसके लॉन्च डेट की, तो इसकी एक्सपेक्टेड लॉन्च डेट है 10 जुलाई 2021। उम्मीद है मोबाइल जब तक इंडिया में आ जाए। तो दोस्तों ये थे ओप्पो के टॉप अपकमिंग मोबाइल्स। उम्मीद है वीडियो आपको पसंद आया होगा, तो प्लीज इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को दबाना बिल्कुल ना भूलें। नीचे कमेंट जरूर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग, रियली अप्रिशिएट योर टाइम।